वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज अभिनव सिंह। आज मैं आया हूँ पटना के गंगा घाट पे। ये जो आप मेरे पीछे ब्रिज देख रहे हैं, अभी यहाँ पटना का मैरिन ड्राइव बन रहा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप लोग आ सकते हो घूमने के लिए। ये देखो, अच्छा गाइस, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैम, आप रो क्यों रही हैं? अरे कैन आई हेल्प यू मैम? मुझे बता सकती हो आप? मैं जानता हूँ अननोन हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मुझे एक बार हेल्प करने का मौका तो दो आप। मुझे कैंसर है। कैंसर है मैम? एक बार मुझे, मैम एक मिनट, आप चुप हो जाओ, मैं एक आपकी हेल्प करता हूँ मैम। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। आप चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं एक काम कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। हेलो, एक कैंसर पेशेंट है, उनको हेल्प की ज़रूरत है। जी एक्चुअली हम लोग एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है, मैं कैंसर पेशेंट नहीं हूँ। कट वो रहे हैं हमारे कैमरामैन से, हाई टू हिम। हेलो, हेलो, हाय, अभी भी मसाला है क्या? हो गया, आप इतने अपसेट क्यों? इन्हें इनका क्लिप दिखाओ ना, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। सी, अरे आप चिल करो, वो बस एक प्रैंक वीडियो था, इतने इमोशन होने की जरूरत नहीं है। और पता है हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप प्लीज उसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल का नाम है मुर्गा बनाया, बड़ा मजा आया। आई थिंक आई शुड लीव। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ भाई? क्या सर आप फेस बना रखी हो? अपना मुंह देखा है बंदर कहीं का? यार आज का वीडियो शूट करके ना बहुत अच्छा लगा। और देखना इस वीडियो में बहुत सारे लाइक्स जाएंगे। बिल्कुल, खुद के लाइक्स का, खुद के व्यूज का तो जुगाड़ हो गया, मेरे इंस्टाग्राम का कुछ नहीं, ठीक है ना? फॉलोवर्स भी नहीं बढ़ रहे यार, मेरे पिक्चर्स पे लाइक भी नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँ? नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? क्यों, क्या मैं लटका के घूमता रहता है दिन भर, जब मेरे ढंग की एक भी पिक्चर क्लिक नहीं करी है तूने, नालायक। वीडियो देख कुछ याद आ रहा है? यार कितना चूमू सा लड़का मिल गया था आज हम लोगों को। यार तुम्हारे हर आकर चूमी क्यों दिखता है? वो चूमू था तो उसे और क्या बोलूं? आ गया वीडियो में एकदम से और इतना एटीट्यूड भी दिखा रहा था। ये वो लड़का ना जेन्युइन बंदा दिख रहा था, उसकी आंखों में देखा मैंने, कुछ भी इमोशनल हो गया था वो। कुछ भी जेन्युइन नहीं था इतना, अगर वो अपनी एक्स की आंखों में देखा होता ना तो तेरा काट के ही जाती। और दूसरी बात ये कि लड़की देख करके आया था वो, एकदम से डेस्पो हो रहा था। तुमने मेरे एक्स के पीछे क्यों पड़ी हो? ठीक है ठीक है। यार वो ब्लॉग बनाना था ना आज कुछ? हाँ बना रहा था। और नाम क्या था? अभिनव सिंह। हाँ अभिनव सिंह, याद आ गया मेरे को, मिल गया। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज अभिनव। शक्ल देखना यार, दरिंदा लग रहा है, रहा है कुछ भी। और आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस, जो कि मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, जिसका नाम है बनारस। हाँ तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और ये देखना आपने वीडियो का टाइटल क्या रखा हुआ है, माय लास्ट डेज, ऐसा डिप्रेशन वाला। हाँ यार वही तो समझ पता नहीं कौन देखता होगा। सुनो ना, देखो ना आज का कोई वीडियो डाला है क्या?
हेलो गाइस, दिस इज अभिनव सिंह। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज मैं आपको कहीं लेकर नहीं चल रहा हूँ, आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए ब्लॉग्स बना रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं बहुत दिन से बीमार चल रहा था और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी गया था, और उस चेकअप की आज रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट कुछ ये है कि मेरे बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से मुझे पैनक्रेटिक नाम का कोई कैंसर होता है, वो कैंसर मुझे हो गया है। डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आपका फर्स्ट स्टेज है, आप ठीक हो सकते हैं कीमोथेरेपी से। आई एम सॉरी गाइज, मैं आज का ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं आज आप लोगों को पटना का मैरिन ड्राइव दिखाने वाला था, अच्छे से दिखा नहीं पाया। पता नहीं गाइज, लोग चंद लाइक्स के लिए कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को लोग इतने हल्के में क्यों ले लेते हैं। एक बार उनसे पूछिए जिनको कैंसर हुआ है, उनके परिवार वाले से पूछिए कि क्या बीतता है उन पर। गाइज, आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, प्लीज़ बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे, उन पर प्रैंक कीजिए, उन पर वीडियो बनाइए, बट कैंसर जैसी बड़ी बीमारी पर प्लीज़ मत बनाइए। इतने हल्के में मत लीजिए इसे। बहुत दुख होता है जब किसी को हो जाता है तो उनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। अगर ज़्यादा बोल दिया हूँ मैं तो उसके लिए सॉरी।